बिहार में जो हुआ है उसके खिलाफ हम लोगों ने आग्रह किया है कि पूरे मामले की जांच पटना उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से कराने का काम कीजिए या सीबीआई से जांच कराने का काम कीजिए। नीतीश कुमार जी गुंडों के बल पर बिहार में सरकार चलाना चाहते हैं। हम लोग राजा का जो मालिक होता है उसका जवाब देते हैं, किसी नौकर का जवाब नहीं देते। जिनके भी आदेश से ये कार्रवाई हुई, चाहे वो मुख्यमंत्री हो उप मुख्यमंत्री हो, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। पिछले दिन विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी नेताओं पर पुलिस की लाठीचार्ज और एक बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की मौत को लेकर बिहार में सियासत गरमाई है, लेकिन आज बीजेपी के तमाम विधायक और विधान पार्षद राजभवन पहुंच गए। वहां पर राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान एनडीए के सहयोगी दल जीतन राम मांझी भी वहां पर मौजूद रहे। पारस गुट से सांसद प्रिंस राज भी साथ में नजर आए और राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद जब मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी और तमाम बीजेपी नेता बाहर निकले राजभवन से बाहर, तो उन्होंने नीतीश तेजस्वी की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, न्यायिक जांच की बात की गई है, सीबीआई जांच की बात की गई है, सुनिए। पुलिस के बाद भी आप नहीं रुक रहे हैं, आप सोचिए कल हम लोग कितना संयमित थे। पीछे रहिए आप लोग। देखिए, हम लोगों ने जगह बना करके आज पूरा भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता सभी लोग हम लोग जाकर महामहिम से मिले और मिलकर हम लोगों ने आग्रह किया है कि महामहिम राज्यपाल महोदय, बिहार में आपातकाल की स्थिति है। बिहार में पुलिसिया गुंडा के अपराधीकरण बिहार में जो हुआ है उसके खिलाफ हम लोगों ने आग्रह किया है कि पूरे मामले की जांच पटना उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से कराने का काम कीजिए या सीबीआई से जांच कराने का काम कीजिए, क्योंकि बिहार में लोकतंत्र खत्म हो गया। नीतीश कुमार जी गुंडों के बल पर बिहार में सरकार चलाना चाहते हैं और बिहार में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या की गई और हम लोगों ने आग्रह किया है कि जिनके भी आदेश से ये कार्रवाई हुई, चाहे वो मुख्यमंत्री हो उप मुख्यमंत्री हो, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बिहार में नीतीश कुमार की जो सरकार है ये हत्यारी सरकार है, इसको अविलंब बर्खास्त करने का काम किया जाए। देखिए, हम लोग राजा का जो मालिक होता है उसका जवाब देते हैं, किसी नौकर का जवाब नहीं देते। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद वो बाहर निकले थे, इस दौरान वो अपनी बातों को रख रहे थे और उन्होंने कहा है कि किसके कहने पर इस तरीके से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया ये उनको नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से किया गया वो बताता है कि द्वेष में आकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है और इसके लिए ज़रूरी है कि एक निष्पक्ष न्यायिक जांच हो, या तो पटना हाईकोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा या फिर सीबीआई के द्वारा जांच बेहद ज़रूरी है। राज्यपाल से मिलकर इस बात का अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि जिस बीजेपी नेता की मौत हुई उनका आज अंतिम संस्कार भी फतुहा में किया गया। तमाम बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद रहे, एनडीए के भी सहयोगी दल वहां पर मौजूद रहे, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अंतिम संस्कार के बाद ही तमाम बीजेपी के नेता पटना पहुंचे और वहां पर उन्होंने राजभवन में जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई वो भी सम्राट चौधरी ने अभी आपको बताया है। देखना होगा आगे इस पर क्या कुछ एक्शन होता है। बन रही है लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।